तोली ग्राम भूरपा सड़क के बीच में पड़े कूड़े पर गंदगी से होने वाली घातक बीमारियों और मजबूर ग्रामवासी नहीं होती सुनवाई। कूड़ा करकट बीमारियों को दावा दे रही कोरोना काल वैश्विक महामारी में जहां एक तरफ लाखों जानों जा चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर गंदगी के बीच जीने को मजबूर है, जिसको ग्रामवासी बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। गंदगी से बनने वाले घातक बीमारियां डेंगू मलेरिया टाइफाइड जैसी बीमारियों से ग्रस्त ग्रामवासी गंदगी के बीच जीने को मजबूर है, कोई सुनवाई हल्की बारिश में पड़ जाती है। पानी अटके हुए कूड़े गंदगी से पनप रही है जातक बीमारियां, शिकायत करने के बाद भी अधिकारी नहीं देते ध्यान, आखिर ग्रामवासी जाएं तो जाएं कहां। सड़क में बीचों बीच पड़ा कूड़ा आए दिन राहगीर पानी में गिरकर होते हैं चोटिल, रजवाए में भरे कूड़े गंदगी में पनप रही है घातक बीमारियां, नहीं होती ग्रामवासियों की सुनवाई। गुलफाम जी, कूड़ा पड़ा हुआ है, क्या सफाई नहीं होती यहाँ पर? सफाई नहीं होती यहाँ से, रजवाए वाले निकाल के चले जाते हैं, अटका हुआ नहीं। अच्छा, रजवाए भी अटका हुआ है कूड़े से? बहुत बड़ी परेशानी है कूड़े की। अच्छा, किस तरह की समस्या है सामने आ रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई नहीं भरा है। आप ये मोबाइल किया लगाते हैं यहाँ पर? कैसे लगाता हूँ, कैसी दुकानदारी हो रही? दुकानदारी यही नहीं करा। अच्छा, शिकायत नहीं करेगी? शिकायत नहीं करेगी इसे? शमशाद जी, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, क्या सफाई नहीं होती यहाँ पर? बरसात हो रही है, बरसात के दौरान इतना गंदगी पानी भर जाता है, लोग रबड़ रपटी गिरते हैं, मच्छर बदबू गंदगी बहुत रहती है। आपने इसकी शिकायत नहीं करी? शिकायत नहीं करते, कोई सफाई का प्रबंध नहीं करता। कितने समय से ऐसा ही पड़ा हुआ है? काफ़ी समय से, जब से बरसात लगी तब से पानी भरा रहता है, गंदगी बनी रहती है। बरसात से अलग कूड़ा पड़ा हुआ है पुलिया पे, जो सड़क का रास्ता है मेन, रजवाया उतरता चढ़ता है ना, तो जो कूड़ा बस्ती का आता है वो निकलता है, वो इधर ही पड़ रहता है, उसकी सफाई नहीं।